नमस्कार, स्वागत करुच्छी न्यूज रूम लाइव को स्मृति रग्ना। ब्रह्मगिरी में बाटमरणा होइछि विकास, कारण विकास गोलापी चित्र बा स्वप्न देखा जाइथिला ब्रह्मगिरीवासी को जेतेबेले विशुद्ध पानीय जलर कथा आसिला। कहागला सेमानुकु जे खूब जल्दी पानीय जलर प्रकल्पर सुविधा सेमाने पाइबे। एथिपाई मु कहि रखिया पई चाहिबी, 11 वर्ष हेब विशुद्ध पानीय जल स्वप्न पलटिछि, किंतु एबे बि से स्वप्न पूरा होई पारे नाही। ए बाबद्र अधिक आलोचना करबा ग्राउंड को जिबा हमर प्रतिनिधि कालुचरण ब्रह्मगिरी रु सीधासल काम सहित जोड़ी होचंती। कालुचरण, ब्रह्मगिरी वासी को जो स्वप्न देखा जाइथिला, जो विकास रो गोलापी चित्र कथा कहा जाइथिला, कोठी अभाव रहिला काहे कि 11 वर्ष धरि देखुतबा स्वप्न को ब्रह्मपुर वासी एबे पर्यंत पूरा होतबार देखि पाले नाही। निश्चित भाव यहाँ दुर्भाग्यजनक कथ कि नईपर कहीं राज्य सरकार बारंबार कही आम मीठा पा विशुद्ध पा लोक जोगाई दू, किंतु दीर्घ 11 वर्ष हे भंडारी कुदा ठारे पखापाखि 25 कोटी टाँचा व्यय निर्माण होता बृहत जल प्रकल्प एवं संपूर्ण अचल अवस्था आरंभ तो होना अचल कथा न कह भल कारण कहीं सुधा ए जल भंडार अर्थात ये जल प्रकल्प आज भी लोक मानी स्वप्न पलटी। ए ब्रह्मगिरी ब्लक 69 गाँव ए प्रोजेक्ट टी पाखापाखि 25 कोटी टंका कराई, किंतु 11 वर्ष हो गला ये कार्य हाबाक ना। आप नजर पकात भंडारी कुदा ठार जल प्रकल्प अर्थात पीवा पा प्रकल्प एठार 11 वर्ष हम पाखापाखि 25 कोटी टंका व्यय निर्माण होती, किंतु एपर्यंत हो गला कार्यक्षम हो ना। चित्र पर नजर पकात कि भाव चित्र देखा पानी टांगी उपर आप नजर पकात सबु वर्ष केवल रिपेयरिंग एठार जेई बाठार थिबा जो मध्य कर्मचारी माने लुटी खाऊ पाखापाखि कोटी कोटी टंका। प्रथम बजेट कराइला 17 कोटी टंका, परवर्त समय पुणी रिपेयरिंग करने काम तो होनी, तेज रिपेयरिंग कौन हो कारण ये प्रकल्पटी आप देखुते ए प्रकल्पटी पाखापाखि 25 कोटी टंका व्यय निर्माण होती, किंतु आज पर्यंत कार्यक्षम होगा ना। बृहत प्रकल्प यह पूरी जिले में एक बृहत प्रकल्प भूल नुहे, तेज ए प्रकल्प पर्यंत 25 कोटी ऊर्ध टंका खर्च हो सारी 69 गाँव को किभली भाव में विशुद्ध पानीय जल जोगाजिबो सेई उद्देश्य रे एहा निर्माण करा जाइथिला, किंतु वर्तमान एहा पूरा हेबा तो दूरर कथा। बारंबार मरामती करा जाउछि, टंका आहुरी अधिक खर्च होउछि, किंतु एबे पर्यंत जो उद्देश्य रे एहा करा जाइथिला माने 69 गाँव रो लोकन को विशुद्ध पानीय जल जोगाइबा एबे भी स्वप्न रे रहिछि। कोन कोनती गाँव लोक एहा को नै कि निश्चित भाव में एनेक आम ग्रामवासी सहित आलोचना करवा कारण कहीं या अनेक बार बिवाद उपजुच्छी मत जुक्तितर्क पर्यटन कचा जाए, कि वास्तव में ये प्रकल्प लोकों स्वार्थर नाला बोध हुए टाँचा आत्मसात करने ए योजना रचा जाए एक अंचल लोके कहते वास्तव में आज्ञा ये प्रोजेक्ट कौन पाई होता है और केते टंका बेर ए प्रोजेक्ट आपण स्वार्थर आसूची आप मीठा पा विशुद्ध पा पाँच ना पाँना ये जो मेगा प्रोजेक्ट कराई ये प्रोजेक्ट द्वारा आमर ब्रह्मगिरी ब्लक 69 गाँव जनसाधारण स्वच्छ निर्मल पीवा पानी पाई था जे कि जो अर्थ व्यय बराद कराइला तापर आर्थिक एक्सटेंशन करा जाइथिले अद्यावधि ये प्रोजेक्ट कार्यकारी होना एटी कंसर्न जेई एवं तलस्तर समस्त कर्मचारी माने से पैसा को हेरफेर करछंती सठिक भाव में कार्य सरकार कहते आम 25 कोटी टंका खर्च कले विशुद्ध पा जोगाइलु एठाए विभाग जेई अच्छा कनिष्ठ जंत्री से कहते आम लोक पा जोगाई देचु ए प्रोजेक्ट रु पा बाहर यह संपूर्ण मिथ्या एवं विभ्रांतिकर कथा। बर्तमान सुधा ये प्रोजेक्ट पा जोगे पीवा पा जोगे अच्छा आप मीठा पा विशुद्ध पा पी ये हूँ ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी रायधारा पंचायत भंडारीकुदा एवं गोवर्धनपुर मझे जो प्रकल्प ए प्रकल्प हराहारी 25 कोटी टंका खर्च हाँपाई जो योजना होता यार कौन कार्य होना कहीं ये हूँ चिलिका कूलिया अंचल जोटी कूप खोल जा नलकूप पसा जा लुणीपा पड़ू लोक खावा पा ना कि पीवाक पा ना छोट छोट गड़ू जो पा पीने रोगग्रस्त पड़ते ये प्रोजेक्ट रु बहुत ये काम किसी नई जहा जा तो बिजेडी कर्मी माने जो प्रकार हाहाता से लुटु कर शुणिले ये वास्तविक कौन गोटे कार्य कि ना ये देखू प्रत्येक गाँव को घर को बाट कर घर ये दि जाइए पाइप दि जाइए कि पाइप सब बंद कर पा जाऊना
ये रावधार मु देखिल मुझे जाऊँ देखिल प्रत्येक घर को पानी जोगे सुविधा अच्छी कि सुविधा करना गुड़े पैसा खर्च होती पानी व्यवहार ना ये पानी दबार बहु असुविधा लोक मैंने पा पी पार ना लोक मत असहाय लोक रोगग्रस्त पड़ हाहाकार होती कहीं ये प्रोजेक्ट कराला ये कौन भी प्रोजेक्ट कर प्रोजेक्ट मीठा पानी विशुद्ध पानी माने ना ये जो प्रोजेक्ट 2011 मसीहा रे ए प्रकल्पर भित्ति प्रस्तर स्थापन करा जाय थिला टार्गेट थिला मात्र 2 वर्ष माने 2013 भितरे ए प्रकल्प पूरा संपूर्ण भावरे प्रस्तुत करके लोकों को कामरे आसी थांता बा लोकों को दिया जाय थांता किंतु आपण चिंता करंतु 2022 रे जदि प्रकल्प को नेकी आलोचना करा जिवो प्रकल्पर अनिश्चितता प्रकल्पर असंपूर्ण काम को नेकी आलोचना करा जिवो ये केते बड़ एक निंदनीय एवं दुखद कथा बोली कहबा निश्चित भाव राज्य सरकार को अपारगता बोली एक थोर कह जाइपर कारण कहीं 11 मान 11 वर्ष पूर्व जिते 25 कोटी टंका व्ययरे ए प्रोजेक्ट कर एठी मध्य उद्घाटन करने को वरिष्ठ नेता मंत्री मान आसी किंतु 11 पानी टी केवल लोके पाइबे ना या दुर्भाग्यजनक कथा किसी नुहे कारण सरकार केवल मीठा पानी विशुद्ध पानी जोगे कथा बाहबा ने वास्तव में ग्राउंड के चित्र आसोद सरकारी अधिकारी राज्य सरकार आखिरे पड़ूना आज्ञा ब्रह्मगिरी अंचल चिलिका समुद्र निकटवर्ती अंचल आपण मैंने विशुद्ध मीठा पानी पाँच ना नलकूपर एवं भी लुणिया पानी पीऊँ एवं भी नलकूपर आम लुणी पानी पाऊँ जोटा कि पानी उपयुक्त ना एवं तार जो लेयरटा जाए लेयरटा को भी अतीत साइंटिस्ट मैंने आसी देखी थे आमको मना करते ये पा पीवा योग्य नुहे यादारा आप शरीर में किसी ना कि क्षति हे कि दीर्घ 2012 मसीहा 10 वर्ष धरिकी 22 वर्ष सरकार जो विकास चित्र दे आज ये गाँ गहली 59 गाँ पीवा पा पाऊना कौन पाई ये जो बड़ बरिष्ठ ये राज्य को जो मैंने नेतृत्व नहीं ये राज्य जो मैंने नेतृत्व नहीं ये अंचल जो मैंने जाइंटक हेवी वेट नेता बुझुं किंतु कौ हेवी वेटर तर जो मैंने पीवाई मुझे पा भी दे पारे साधारण लोक रोग रोग से मरती लोक लोक पीबार पा जो ना मौलिक सुविधा ना मौलिक आवश्यकता को मेन्टेन करना राजनैतिक मूल्य कौन अच्छे लोक भुआ बुले सरकार राजनीति करते लोक समस्या पर नजर पकाते ना लोक टोके जगे पारती मुसबी आपको बारीपदा प्रतिनिधि रंजन दास वर्तमान समय सहित जोड़ी होती रंजन केवल बारीपदा ब्रह्मगिरी कथ नुह राज्यर कोण अनुकोण में चित्र देखा मिलूँ खरा दिन हो बर्षा दिन हो शीत दिन हो महिला मैंने हाँ मठिया धरी रास्तार प्रतवाद कर कारण जो प्रकल्पर से प्रतिश्रुति दि जाइए से प्रकल्प संपूर्ण होगापी केतेदिन समय लगे एक ना प्रशासन कही ना जनप्रतिनिधि कही बारीपदार एमती किसी चित्र देखा मिले कि हाँ देखत स्मृति रत्ना जो जल प्रकल्प कथा कहले बारीपदारे से जल संकट विभिन्न समय लग रही था बर्तमान से जल संकट लगिक रही बर्तमान जदि आम कथ कह बारीपदार कथ कह बारीपदा सहर को किभली भाव में शुद्ध पानी जल टोपे मिल से मुख्यमंत्री 2011 मसीह जम्भीरा जलसेचन प्रकल्प किभली भाव में पा आसव फिल्टरेसन हे और शुद्ध पानी जल पाई बारीपदावासी से गोटे योजना कराइला ये योजना बाबद सरकार पक्षर पाखा कि 84 लक्ष टंका व्यय रे एक अटकल तेबे आकु ए जो प्रकल्प को मध्य 2018 मसीह पूर्णांग करी लोकों को पानी जोगाई देबे बोली सेतेबे प्रतिश्रुति देइथिले परवर्ती पर्याय रे पुनी ताकु 2020 को स्थानांतर होइतला एवं 20 परे वर्तमान पर्यंत मध्य देखा जीवो जदि मयूरभंज जिला कोन बारीपदा सहर रे पानी टोपे देखिवा को मिलो नै वर्तमान मध्य जो अछि बस्ती बासिंदा माने रहिछति जो बारीपदा सहर रे 28 टी वार्ड रहिछ 28 टी वार्ड रे मध्य लोक माने पानी पाउनांती विभिन्न समय रे लाइन बांधी पानी नउछंती आम गहण रे किछि स्थानीय बासिंदा अच्छे आम सीधा साल प्रतिक्रिया रखा आज्ञा जो पानी जल कथ कौन जो मयूरभंज बारीपदा सहर अच्छी बारीपदा सहर से बर्तमान पानी संकट देखा देलानी एवं लाइन मारिके लोक नौती पा और आगुक तो खरा दिन आसली भाव में देखुं आपको आम जो जल प्रकल्प जो अच्छी अधूरा होकर रही है नहीं कौन कहे सर्वप्रथमे कहबि बर्तमान तो ठंडा दिन आई मस मधे गरम दिन बारीपदा गरम दिन आसव मयूरभंज सर्वाधिक 40-50 डिग्री तापमात्रा हेतु मयूरभंज पानी समस्या बहुत देखा जाएक बारीपदा सहर से या फल जनसाधारण को देखा मिले जे गाड़ी ठिया हो पीएचडी गाड़ी 100-200 लोक 500 लोक बस्ती बासिंदा लाइन रे लगे थे यह बहुत गंभीर समस्या जो पानी समस्याटा तथा देखा गले बारीपदा सहर से 2000
2013 मसीह आम जे जम्भीरा नदी प्रकल्प शुभ भित्तिभूमि प्रस्तर स्थापना करते माननीय आमर मुख्यमंत्री जी आसी देखा गले 9 वर्ष बीतीगले आम बारिपदार पानी बारिपदार से मेगा प्रकल्पर काम पूरण न होइथिबार वर्तमान सुधा बारिपदा नगर में लोक पापी बहुत हईराण होती आम दृढ़ दाबी करुचु बारिपदा बासिंदा हिसाब से जे मेघ जे जल प्रकल्प को शीघ्र कार्य संपन्न कर बारिपदा नगर में पानी व्यवस्था कर निश्चित पक्षे आउ जन आम सागर अच्छा जो पानी जल अभाव देखा देखिए विभिन्न घर मानक कौन कहे कि देखो मनीषर किसी गोटे बेसिक नीड थाए वस्त्र बासगृह पानी वायु तो ये देखा गले दुईटा जिनस वस्त्र कि बासगृह बिना भी मनीष बचीजी कितु पा कि पवन बिना के मनीष बची पार ना तो तेणु मुख्यमंत्री पाखे यहीटा ही गोटे आम दाबी जे यकल्प को जल्दी ही कार्यकारी कर निश्चित पक्षे स्मृति लग्ना देखो स्थानीय जनसाधारण से दाबी रोचे कि भाव में जो मुख्यमंत्री जो प्रकल्पटी उद्घाटन करते आज पर्यंत संपूर्ण हो पारा ना भित्तिप्रस्तर रही जाती जहाँकि बर्तमान 2022 पूर्णांग हम कि ना ता गोटे लोक मन में आलोड़न सृष्टि करवे लोक पा शीघ्र पाइबे से नहीं कि लोक मैंने मुख्यमंत्री निकट दाबी रखुच्च बारिपदा सहर को शीघ्र पानी जल टूपे जगातु ना आगामी दिन में आर स्थित उद्वेगजनक हम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में जो कथा आपण कहते जहाँ प्राथमिक समस्त आवश्यकता रोचे मौलिक अधिकार रोचे विशुद्ध पानी जल जहाँ को अणदेखा कर जिला प्रशासन अणदेखा कर राज्य सरकार परवर्ती समय जिते बड़े लोक मानकर भोट दबार समय आसीबो से माने मध्य चेतावनी खोलाखोली दौंट जे एणिकी आम सबकि भोट्रे देखू ये कौन सरकार को प्रभाव पक पार निश्चित पक्षे से कथा आम पचार लोक नवा देखूँ आगामी दिन में आसवाचन आसूसी जितेबाला निर्वाचन में लोक मैंने जितेबाला तांकर निजर दाबी मौलिक दाबी को लेकिन राजरास्ता को ओल्लैबे से कौन सरकार को सही कथा कौन मन पड़ूनी ना देखा जाऊनि शुणतु ये आम जे राज्य सरकार अच्छा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सब सबुले आम देखुचे जपर भाव 2013 मसीह भित्तिमि प्रस्तर स्थापन करके पलैले 13 वार्ड काउंसिल निर्वाचन जीति विधानसभा लोकसभा जीति निर्वाचन आगे सी सब आसा मौलिक समस्या अच्छी बारिपदार से समस्या गुड़िक देखु देखी दौंते ये समस्या अच्छी निर्वाचन आगर मिछ प्रतिश्रुति पल निर्वाचन बैतरणी पार होती यह राज्य सरकार काम सब मिछ प्रतिश्रुति दौंट जमीरा प्रकल्प जदि आम बारिपदा सहर से शीघ्र हो जाता तेल बारिपदावासी एत कष्ट अनुभव कर बहुत पापी समस्या होची बारिपदा नगर आमर गोटे खुशी लगुला जे जमीरा प्रकल्प आम बारिपदारे पानी 28 वार्ड पाइबे लोक मानकर घरे घरे पानी पहुँचब आम तो मौलिक समस्या रोचे खाद्य वस्त्र गृह ये तीन टा आउ पानी किंतु पानी टी आज पर्यंत बारिपदारे पहुँची पार्लानी जमीरा प्रकल्प 9 वर्ष होगला और सरकारी कर्मचारी जे मैंने पा कथा बुझुच्च डिपार्टमेंटर कर्मचारी कौन 2022-23 सुधा मत ये काम संपन्न हो पार नहीं मैंने लगुच आई 2-3 वर्ष लगे किंतु राज्य सरकार कही मिछ प्रतिश्रुति 20 सुधा कमटी संपूर्ण हो पंचायत रे विशुद्ध पानीय जल बोली सरकार निजर प्रतिश्रुति देथिले वर्तमान जिला प्रशासन जहाँ प्रतिक्रिया सामना को आसुची 2023 पूर्वरु विशुद्ध पानीय जल सब पंचायत रे पहुंची पारिबो नाही कोठना कोठी ये स्पष्ट करिछि जे सरकार विफल होइछन्ते निज प्रतिश्रुति पूरा करिवारे निश्चित पक्ष देखु जो सरकार प्रतिश्रुति देते सरकार प्रतिश्रुति वर्तमान लोकों पाखे पानी गार सदृश होती लोक मैंने सीधा साल कौन देखूँ प्रथम ताकि धार्य तारीख होता 2018 मसीह बारिपदावासी शुद्ध जल पीबे मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति 2013 भित्तिप्रस्तर स्थापन करते कि परवर्त पर्यायर देखु 2018 निर्वाचन पारी 2019 निर्वाचन पारी हेले 2017 जो थी पंचायत निर्वाचन पारी हो सारी बर्तमान 2020 रे हेबो बोली ताकु कहिथिले 2020 जाई 2021 सरलानी वर्तमान 2022 रे पाद दिआइछि आमे मध्य आकु नै जेतेले आमे जाइथुलु आमे मध्य जेतेले
PhD ଅଫିସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ମେଗା ଜଳସେଚନ ମଗା ପାଣି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କ'ଣ ତାର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ତିନି ମାସ ପରେ ଯଦି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ଅଛି, ଜଳସ୍ତର ସେ ଯେଉଁଠୁ ପାଣି ଆସିବ ସେ ଜଳସ୍ତର ନ କମିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କାଳୁଚରଣ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତମାମ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଲାଣି, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିପାରୁନି, 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିଲା ଏଣିକି ମରାମତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ଆମେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଇଦେବୁ। ଠିକ ବର୍ଷେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆମେ 2 ମାସ ଭିତରେ ପାଣି ଯୋଗାଇଦେବୁ। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଥିବ ନା, ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଇଦେବୁ, ଯାହା 2011 ମସିହାରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ଇଏ 2022 ମସିହାରେ ଯଦି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଇଦେବୁ କୁହାଯାଏ, ତାର ସମୟ କ'ଣ ରହୁଛି, ତାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେ ତ ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ୟା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଏକଥା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାରୀ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ନିଜେ ନ କରନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ବୃହତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା, ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା, 69 ଗାଁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, କାରଣ 69 ଗାଁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମିଠା ପାଣି ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗାରୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ତେବେ ଲୋକ ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବାଦ ଉପୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶାସକ ଦଳ ନେତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆସି ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ତେବେ ଏ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼େନି, ନେତାମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ନା କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଏହା ଉପରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜନୈତିକ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକଥା ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଏଠି ପାଇପ୍ର ସଂଯୋଗୀକରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷର ବିକାଶର ଚିତ୍ରର କଥା କହୁଥିବା ସରକାର, ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଠି ବିଫଳତା ହୋଇଛି। 22 ବର୍ଷ ସରକାର ବିଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ଆଜ୍ଞା, ମିଠା ପାଣି ଟକେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, କେମିତି ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ? ଯେତେବେଳେ ନେତା ଆସିବେ ତ କେମିତି ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ସବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଆକ୍ସନ ରହିବ, ଏଇଟା ଜନମତରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫାଙ୍କା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଆକ୍ସନ ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କୋଉଠୁ? ବାସ୍ତବରେ ଯେହେତୁ ଚିଲିକା ଜନମତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 69 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁଠି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକେ ମିଳିପାରୁନି, ସେଠି କେଉଁ ମୁହଁରେ ଆସିବେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟ ମାଗିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଇଁତରା ମାରିବେ, ଆକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବାରିପଦା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଏଥିପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନମତ ଏଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି, କାରଣ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିବାକୁ ନେଇକି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ନେଇକି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ବାହାସ୍ଫୋଟ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ସେଠି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବ, ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମତଦାନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଚେତାବନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି। ରଞ୍ଜନ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଚାହିଁବୁ, ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ କିଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ରହିଛି
जो बारीपदा कथा रही ये तो मयूरभ जिला कथा जदि आम कह मयूरभ जिलार देखूँ अनेक गाँ रही एवं पाणी समस्या भितर घेरी होती बारीपदा तो है सदर महकुमा महकुमार जदि यह परिस्थित अच्छी तेज गाँ गंडा परिस्थित कहले न सर आदिवासी बहुत जिला मयूरभ जिला ये पहाड़ पर्वत घेरा ये जिला एठार लोक मैंने पाणी टपा बर्तमान हाहाकार होती देखिए अनेक समय आम चित्र देखु कि भाव में जदि जा नर्दमु लोक मैंने पा आणुंट आता पानी जल हिसाब से जोबले से खाऊँच विभिन्न रोग से पड़ुंट विभिन्न समय से दुरारोग्य रोग से पड़ुंट कौटी देखा मिलूँ लोक मैंने आसी जंत्रा अनुभव करोटी देखा जाकि नदी बाली को ताड़ी से पा पीऊँच आम गहन जो लोक मैंने अच्छा आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया रखा आज्ञा आगामी दिन में आसो निर्वाचन आसवाचन समय आपको देखे मुख्यमंत्री या करदे सीया करदे आप प्रकृत में कौन देखुंत आपको जनमत सृष्टि हे कि आगामी दिन में जनमत रही भोट बर्जन भाया परिस्थित आसवि भावुंत कि शुणु आम मयूरभ हूँ गरीब आदिवासी बहुत जिला साधारण तो पानी बहुत दरकार गाँ गहली हो आपने जे कहले जे गाँव में पानी समस्या सत भाव गाँव में पानी बहुत समस्या अच्छे माने गाँव में आम सब देखू पेपर मीडिया भी पढ़ुचु गाँव में कई टांकी बसवाई दाबी कर गाँव में रास्ता रोक कर गरम दिन में आम देखा मिलूँ आमको गोटे हस लगुच ये बीजेडी शासन चलती सुपर मिछुआ शासन आ मुख्यमंत्री भी सुपर मिछुआ आपण एबे तो मुख्यमंत्री पांडियान बाबू चलाउचंती सीए सब कार्य आमर जे मुख्यमंत्री जानुचन ना नहीं जंभीरा प्रकल्प से मन अच्छी ना नहीं भी तांकर ग्यारंटी ना आमर देखा गले पांडियान बाबू अच्छा बर्तमान सीएम से लोक मानकर भाव में समस्या हो मुख्यमंत्री भाव में समस्या प्रतिकार शीघ्र करवा दरकार जे मयूरभंज एत परिमाण गरीब आदिवासी बहुत जिला एत परिमाण गरीब आदिवासी लोक रोचार पानी समस्या एत परिमाण में गरम दिन में सहवाक पड़ो यार राज्य सरकार नजर में पड़ूना आ सब निर्वाचन आसिले नवीन पटनायक आसंक जे ये पीए अच्छा शिखेई देउचंती मयूरभंजवासी को आम गोटे उदाहरण दौचु जे एटार चिटफंड क्षतिग्रस्त बहुत मयूरभंज बालेश्वर जिला चिटफंडर बहुत क्षतिग्रस्त हेले सही माने चिटफंड कंपनी गुड़क आणले टंका सबू लाच खाई मंत्री नेता मैंने चिटफंड कंपनी गुड़िक काय विस्तार कले राज्य सारा तापर जेतेबेले लोक निसहाय पहई पड़े सब जमा टंका पलैला सेतेबेले इलेक्शन आगरु मने अछि 2014 इलेक्शन पूर्व आसिले सी कहले आमे तुमर टंका गुड़िक सब फेरई दबा गोटे मिछ प्रतिश्रुति देपर जेतेबेले बारीपदार पानी जल समस्या है जंभीरा प्रकल्प भित्तिभूमि स्थापन करदे कालिया योजना हो विभिन्न योजना सब मिछ योजना बर्तमान देखा मिलला जे विजु स्वास्थ्य कार्ड गोटे योजना आनी विजु स्वास्थ्य कार्ड से एठाकर भी गरीब आदिवासी लोक बर्तमान बर्तमान आम पानी जल कथ कह ये जो गाँ गंडार जो समस्या देखा दबो पानी तो ठपे पाइबेनि लोक मेरे निर्वाचन आसला कौन नहीं लोक तो 2019 निर्वाचन में मयूरभंज लोक बतई सारी मिछुआ सरकार को भोट दिजावन से मैंने 9टा विधानसभा 6टा तीनटार जीति छटार हारी ये एमपी भी हारी लोक सब जाणी सारी लोक आगामी दिन में मिछुआ सरकार जे राज्य सरकार बस मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सरकार बीजेडी सरकार से मिछुआ सरकार को आगामी दिन भी लोक प्रत्याख्यान करेंगे बारीपदा मयूरभंज लोक सरकार को देखते भोट बर्जन क्या कहते प्रत्याख्यान क्या कहते सीधा साल ग्राउंड चित्र आसूला प्रतिक्रिया आसूला बर्तमान कालूचरण पाक फेर चाहिए कालूचरण साधारण तो ग्रीष्म ऋतु में देखा मिले काँ भाँ जल समस्या बा जल कष्ट चित्र किंतु जितेबाला वर्ष तमाम आप बर्षा दिने शीत दिने प्रत्येक ऋतु राज्य में देखा मिलूँ जल कष्ट माथिया धरी प्रतिवाद महिला माने कि 15 किलोमीटर एमती चित्र भी आसी जो उपात इलाक रोचे 15 किलोमीटर दूर जावाक पड़े जदि विशुद्ध पानी जलपाई से अपेक्षा करेंगे तो ये चित्र कौन काफी नुहे सरकार के विकास हो तार परिसंख्यान करने को तार चित्र सामना को आने निश्चित भाव में देखते स्मृति लग्न जिते लोके खरा आसवा मात्र के ही गरामाठिया धरिकी प्रतिवाद अनेक जगार कर चित्र सामने को आसी था बोध हुए सरकार आखिरे पड़े ना कि सरकार पाखे से अभोग पहुँचे ना यदि भी पहुँची था आज 25 कोटी टंका प्रोजेक्ट निर्माण होता प्रकल्पटी आज ये खत खाऊन था अनेक विभाग अनेक मेसीन गुड़िक खत खाऊ जहाँकि चित्र देखापी भितर गले बारण हो जे भी कर्मचारी मैं दायित्व अच्छा जेहेतु भितर खत खाई जाए का 25 कोटी टंका दुर्नीति धरा पड़ से भितर को जीवाई छाड़ू ना आज्ञा जिते एवं खरा दिन आसूँ
नदी नाल सब सुखी नलकूप धीरे धीरे पानी कमी कितु प्रोजेक्ट यदि कम आसी था लोक शोष मेटि पारिता तेज खरा दिन समय केमी लोक मैंने अणसठी गाँव लोके पानी पीबे खरा दिन तो लोक मैंने बाध्य हमारी गड़िया पोखरी नलकूप और नदी विशुद्ध दूषित जल पीवाई आगे किसी विकल्प भी ना तेणु आज सरकार जो 10 वर्ष धरिकी 2012 मसीह से तत्कालीन प्यारी महापात्र आज से स्वर्गवासी हेले से भी मरीगले कि आज पर लोक टोपाई जल भी पीवाई पा पाइले ना खरा आसूँ पानी कष्ट कि हम सृष्टि पापाई खरा दिन जो प्रकार कष्ट लोक गरा मठिया धरिक छोट छोट चुआ खोल गड़िया खोल पा पीवं एवं पा बहुत ब्रह्मगिरी हो कि कौन बजार जो पा बिक्री हो किसी पैसा वाला लोक किणु खाऊ गरीब मैंने यहाँ पैसा पा ना खावा पीवाई कौन करेंगे से मैंने से ही पा कि सीझे पीवं आई गड़िया पा भी पीवं खरा दिन जो प्रकार असुविधा हो सरकार देखिले भी संपूर्ण भाव गेट बंद कर दिया जाए प्रतिक्रिया पचारे हसिकी से कथा को उड़े दिया जाउची केते विकास को लेकिन सरकार तत्पर अच्छा विकास राज्य एक प्रहसन ये तार आउ एक चित्र बोली कहीपर बहुत बहुत धन्यवाद कालूचरण ब्रह्मगिरी रिपोर्टर रही रंजन दास मयूरभंजु अधिक अपडेट दौले ये केवल दुईट जगह नुह आम गोटे भात हाँ भात चिपिला भाया गोटे दुईट जगार चित्र आपन को देख लु कि पूरा राज्य में एमती चित्र सामना को आसुची जो गाँ गंडार लोक मैंने पा टोपे पाई ना जो प्रकल्प होटि कोटी टाँचा खर्च होपर मरामती किंतु वर्तमान सुधा ता लोक उद्देश्य लगिपारा ना लोक मैंने विशुद्ध पानी जल पी पारे ना आगामी दिन में पंचायत निर्वाचन लोक मैंने रोकठोक यार जवाब दिया वर्तमान पर मत विदाय दिंतु नमस्कार।